देखा जब पूरे प्रदेश में पुलिस ने इंकाउंटर काफी किए हैं, आपने की रही आपकी, काफी लोग जेल गए हैं, तो इतने दिन हाथ पीछे करो यार, फिर दबा रहे हो। एसटी अपने ही गिरफ्तार किया था, उसके बाद से बेल के बाहर कोई हिस्सा शीट होता है नीचे कर लो भाई, हमारे ज्यादा हैं पूरे उस पे आ जाएगी, फिर होती रहती है। ये चीज़ें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर्ड से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान सही थे। लेकिन सर जिस तरह तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है, और ये सभी चीज़ें जाँच के विषय है, जो चीज़ें जाँच के बाद ही कही जाती है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या हुआ जैसा आप सभी अवगत हैं, कल रात्रि में पुलिस अधिकारी देने यहाँ पर आई थी, तो अपराधियों ने अंधाधुंध पूरे ऑपरेशन गोलीबारी की थी, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। आज रात से ही सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे, जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छुपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं, 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असलहे भी बरामद हुए हैं, जिसमें से 1 असलहा जो पुलिस का लूटा हुआ असलहा है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है, और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं, उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। जो मारे गए उसमें क्या विकास जी है, विकास जो मुख्य आरोपी है? देखिए, अब इनकी पहचान गाँव के लोगों के द्वारा कराई जाएगी कि कौन अपराधी है। ये लोग उसमें देखिए, मैं आपको फायरिंग में शामिल थे, दो दर्जन से अधिक केसों में आरोपी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला हो गया है, और कानपुर के चौबे छाना क्षेत्र के बिकरू गांव का मामला है। बिकरू गांव में पुलिस देर रात 12 बजे के करीब विकास दुबे को खोजने गई थी, विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी, और कई थाने की पुलिस थी, लेकिन वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि पहले से ही विकास दुबे को भनक लग गई थी और वह अपने 8 से 10 साथियों के साथ मिलकर के पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया है। बिठू जख्मी पुलिस अहलकारों का इलाज जारी है। ये वाकया चौबेपुर थाना इलाके के विकरू गाँव का है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। सीएम योगी ने शहीद हुए पुलिस अहलकारों के अहले खाना से इजहार ताजियत किया है। वाज़ह रहे कि पुलिस विकास दुबे नामी एक बदमाश को पकड़ने गई थी कि इसी दौरान उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, पुलिस वालों के असलहे लूट लिए गए। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे ने थाने में दाखिल होकर एक बीजेपी लीडर का कत्ल किया था। बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे, इसके अगेंस्ट दर्ज है, ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर, और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी, और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई, और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं, और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे IG ADG और यहाँ से हमने SHO कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि वहाँ पर 8 से 10
साथियों के साथ विकास ने मोर्चा संभाल लिया था और घात लगाकर हमला किया है। जो कौशलेंद्र प्रताप सिंह है वो बिठूर के एसएचओ बताए जा रहे हैं और उनकी जांघ में और हाथ पर भी गोलियां लगी हुई हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। कौशलेंद्र प्रताप सिंह का यह भी कहना है कि घर के अंदर से और छतों से फायरिंग की गई है, जिसमें विकास के गुर्गों ने और विकास ने ये फायरिंग कराई है। और ये जो कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें कुल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको गंभीर हालत में रेजिडेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी लापता भी हैं, हालांकि इसकी सही संख्या नहीं पता चल पाई है और इसकी पुष्टि भी करने से पुलिस वाले बच रहे हैं। मतलब यह है कि मामला पूरी तरीके से वहाँ पर भयावह हो गया था, जिसको लेकर के कुछ पुलिस वाले कुछ अधिकारी वहाँ से गायब भी हो गए हैं, क्योंकि रात का मामला है, घटना देर रात की है। और बिठूर और चौबेपुर पुलिस जो है मिल करके दबिश देने के लिए गई थी। 2 थानों की मुख्य रूप से पुलिस थी, बिठूर और चौबेपुर। एडीजी जयनारायण सिंह ने भी घटना की पुष्टि की है और कई थानों के पुलिस को वहां पहुंचने के निर्देश दिए हैं। एडीजी ने भी साफ तौर पर कहा है कि शर्मनाक घटना है और पुलिस वालों पर घात लगा करके हमला किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी पूरी घटना को शर्मनाक बताया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन असल मुद्दा यह भी है कि यह भी जानना चाहिए कि विकास दुबे कौन है, जिसने हिस्ट्री सीटर बनकर इस तरीके से पुलिस वालों पर हमला करने, पुलिस वालों की हत्या करने का दुस्साहस किया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है विकास दुबे, और विकास दुबे इस हत्याकांड से ही सबसे प्रमुख रूप से उभरा था। वर्ष 2000 में कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र के ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में भी विकास का नाम आया था। कहा जाता है कि विकास ने ही यहां पर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की थी। और कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र के रामबाबू यादव की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया था, और विकास दुबे ने इस हत्याकांड को जेल में रह करके ही करवाया था। 2004 में एक केबल कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे मुख्य आरोपी है। और इस तरीके से कहा जाए तो विकास दुबे का हत्या का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा, लेकिन पुलिस इसे रोकने में नाकाम रही है। 2001 में कानपुर देहात के सिवली थाना क्षेत्र के अंदर घुसकर इंस्पेक्टर के रूम में बैठे तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता संतोष शुक्ला को गोलियों से भून दिया था। इतना दुस्साहस था विकास दुबे का कि उसने इंस्पेक्टर के कमरे में ही बैठे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोलियों से भून दिया था, और वह पुलिस वालों को अपनी जूते की नोक पर रखता था। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों पर हमला करने से विकास दुबे कभी नहीं डरता था, और गवाह न होने पर इतना भयावह, इतना डर लोगों के अंदर व्याप्त था कि विकास दुबे से लोग इस तरीके से डरते थे कि गवाह न होने की वजह से वह पूरे मामले में बरी भी हो गया था। विकास दुबे गिरफ्तार भी हुआ, ऐसा नहीं है कि उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन हर बार वह छूट गया। और 2001 में संतोष शुक्ला हत्याकांड में, 2017 में उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी, लखनऊ से वह गिरफ्तार किया गया। कई साल बाद, एक तरीके से कहा जाए 15-16 साल बाद गिरफ्तार हो पाया था। और विकास दुबे ने गिरफ्तारी के बाद ये बात बताई थी कि 1916 में कानपुर की चौबेपुर विधानसभा सीट से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ला चुनाव लड़ रहे थे। इसमें हरिकृष्ण श्रीवास्तव चुनाव जीत गए थे, और इस चुनाव जीतने के बाद ही दोनों में, एक तरीके से कहा जाए संतोष शुक्ला में और विकास दुबे में, तनातनी हो गई थी। जुलूस निकालने के दौरान दोनों पक्ष, संतोष शुक्ला एक तरीके से और हरिकृष्ण श्रीवास्तव, दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें विकास दुबे का भी नाम आया था कि विकास दुबे इस पूरे बवाल कांड, घटनाकांड और विवाद कराने में शामिल था। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। यहीं से विकास की भाजपा नेता संतोष शुक्ला से रंजिश भी हो गई थी। इसी रंजिश के चलते बताया जाता है कि 2001 में, 11 नवंबर 2001 में विकास ने कानपुर के थाना सिवली के अंदर संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन असल मुद्दा तो यह है कि विकास दुबे अभी तक जेल से बाहर कैसे था? 2 दर्जन घटनाओं का आरोपी, 2 दर्जन मामलों का आरोपी, 2 दर्जन गंभीर मामलों में गिरफ्तार किया गया विकास दुबे अभी तक पुलिस की पकड़ से बचा कैसे था, और उसे कौन बचा रहा था? लखनऊ से कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।